गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टर्मी ताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से आप सभी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 17 मार्च है और आज के दिन होलिका दहन है, तो आप सभी को एडवांस में होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही साथ होली का पर्व यानी रंगों के पर्व की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। जिस प्रकार होली का त्योहार होता है रंग बिरंगा, उसी प्रकार से आपका जीवन भी रंग बिरंगा हो और आपके जीवन में बहुत सारी मधुरता, बहुत सारा सौम्य और अनेक प्रकार के जो आपने लक्ष्य बनाए रखे हैं उन लक्ष्यों की आपको प्राप्ति हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में कल वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। उसके आगे आज का टॉपिक लेकर चल रहा हूं और आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश मैंने कल आपको समझा दिया था। अब यहां से जो हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी, यहां से जो हम बात स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं देशांतर की। ठीक है, तो अगर देशांतर की बात करें तो जिस प्रकार अक्षांश था, अक्षांश कैसे कहते हैं, अक्षांश मैंने बताया था एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजर रही हो और पृथ्वी को क्षैतिज रूप से विभाजित कर रही हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यहां पर फिर से एक मैंने पृथ्वी बनाई है और इस पृथ्वी पर अब रेखा जो है वो क्षैतिज नहीं खींची जाएगी, बल्कि अब इस पृथ्वी पर जो रेखा है वो कैसे खींची जाएगी, वो लंबवत खींची जाएगी। ये जो लंबवत रेखा खींची गई है इसी रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। और इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। कौन सी रेखा है, तो यहां पर जो रेखा है इस रेखा का नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। इस प्रधान यामोत्तर रेखा पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में बांट रही है। आगे वाले भाग को, इस रेखा के जो आगे वाला भाग है इसको नाम दिया जाता है पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न होमस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। और पीछे वाला जो भाग है, इस पीछे वाले भाग को क्या नाम दिया जाता है, इस पीछे वाले भाग को नाम दिया जाता है पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न होमस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और पश्चिमी गोलार्ध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और पश्चिमी गोलार्ध को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। ऐसे ही अक्षांश रेखाओं में था, है ना, ऐसे ही देशांतर रेखा में है। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती हो लेकिन यह लंबवत गुजरती हो, लंबवत रूप से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हो, आगे वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और पीछे वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, अर्थात प्रधान यामोत्तर रेखा। कौन सी रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, चलेगा, इसको हम एक साइड कर देते हैं। ये देशांतर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देशांतर जो होता क्या है, देशांतर रेखा क्या होती है, लंबवत रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची जाएंगी उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। फिर से मैं एक पृथ्वी बना देता हूं, देखिएगा, एक पृथ्वी मैंने फिर से बना दी है और फिर से एक मैं काल्पनिक रेखा खींच देता हूं। एक काल्पनिक रेखा है, ए यहां से जा रही है यहां तक, ए सबसे ऊपर वाला उत्तर ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल है, और सबसे नीचे वाला दक्षिण ध्रुव होता है, तो इसको हम कहते हैं एसपी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये उत्तर ध्रुव है और दूसरा कौन है, दूसरा दक्षिण ध्रुव है। अब होता क्या है, इस उत्तर ध्रुव को इस दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। कहां से कहां को मिलाती हैं, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को नाम दिया जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, हमारा मैप थोड़ा सा सही नहीं बना है इसलिए मैंने यहां पर देखिए कुछ डायग्राम लगाए हुए हैं। यहां देखिएगा, इसमें देखिएगा ए है, देखिएगा ए, एक ध्रुव ए है, एक ध्रुव नीचे होगा, इस प्रकार से रेखाएं खींची जा रही हैं। अगर इस वाले में देख सकते हैं तो इस प्रकार से रेखाएं खींची जाएंगी। तो एक ध्रुव को, यानी उत्तर ध्रुव है एन लिखा है ना, नॉर्थ पोल, और यहां पर सबसे नीचे यहां पर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, और इसके 40 के और नीचे जाएंगे तो साउथ पोल हो जाएगा। तो डेफिनेशन हो जाती है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर। ये रेखाएं भी एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सबसे पहले उत्तर ध्रुव को, या एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से भी लिख सकते हैं, उत्तर ध्रुव को, उत्तर ध्रुव को
दक्षिण ध्रुव से, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली, मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं एक रेखा खींच देता हूं। ये कौन सी रेखा है? ये जीरो डिग्री अक्षांश है सर, ये जीरो डिग्री अक्षांश से जो ब्लैक कलर से खींचे हैं, अर्थात विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। जैसे हमने वहां अक्षांश में पढ़ाया था, वैसे देशांतर में पढ़ा रहा हूं। वहां पर मैंने बताया था कि जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है? मैंने बताया था 111 किलोमीटर होती है। वैसे यहां पर अगर हम दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते तो देखिएगा, एक देशांतर ही है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी विषुवत रेखा पर देखिएगा तो अधिक है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, बीच की दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यहां पर भी जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बीच की दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। मतलब यह है कि देशांतर रेखाओं की दूरी संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान नहीं होती है, यह विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। 111 कहीं कहीं पर 2-3 किलोमीटर लिखा मिलेगा, या 111.32 किलोमीटर, 111.23 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर, ये कहां पर होती है? सर्वाधिक है विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बीच की दूरी कम होती जाएगी, और ध्रुवों पर कैसे हो जाएगी? ध्रुवों पर यह दूरी हो जाएगी जीरो यानी शून्य। ध्रुवों पर दूरी कैसे हो जाएगी? जीरो यानी शून्य हो जाएगी। यहां देखिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, ठीक है? और सर्वाधिक का यहां पर मतलब है, ये दो आंकड़े आपको लिखे मिलेंगे, यह तो लिखा मिलेगा 111.32 किलोमीटर, या लिखा मिलेगा 111.23 किलोमीटर, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, इनमें से दो में से एक आंकड़ा मिल जाएगा। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, किसकी ओर जाने पर? ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, एवं ध्रुवों पर कैसी हो जाती है? ध्रुवों पर शून्य, जीरो, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब बात उठती है कि सर आखिर ध्रुवों पर यह बीच की दूरी शून्य क्यों हो जाएगी? तो बाबू ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी रेखाएं एक ही बिंदु से निकल रही हैं और एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। अगर मैं सबसे ऊपर वाला भाग आपको दिखाऊं जहां से रेखाएं निकल रही हैं, तो ये ऊपर वाला भाग कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिएगा सेंटर है, यहां से रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहां से रेखा इस प्रकार से आपको जाती हुई दिखाई देंगी। जब रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देंगी तो ये क्या होंगी?
ये बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पर जाना है और ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी क्या हो रही है, कम देखिएगा, यहां पर देखिएगा एक रेखा है, एक रेखा ये है, यहां देखिएगा बीच की दूरी अधिक है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों पर जा रही है बीच की दूरी कम होती जा रही है। अगर ध्रुव को देखेंगे, ये सेंटर है, देखिएगा यहां पर बीच की दूरी, सभी रेखाएं एक ही स्थान पर आकर मिल रही हैं, इसलिए बीच की दूरी ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, इसलिए बीच की दूरी ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस की परीक्षाओं में, प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको ये दिखा देता हूं तब प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली समानांतर रेखाओं को, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली समांतर रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली ए रेखा इसके समांतर है, एक समान खींची जा रही है, पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान नहीं होती है, तो ये भी बात सही है कि यहां पर विषुवत रेखा पर बीच की दूरी अधिक है दो देशांतर रेखाओं के, और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कम है। आपको कूट दे देगा, एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना दो सही है, तो एक और दो दोनों बातें हमने जो बताई अभी वो दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था कि दो देशा दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। वैसे यहां पर दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है और इसको नाम दिया जाता है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को नाम दिया जाता है गोरे। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट यहां पर देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र, सॉरी देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को, देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे वहां पर हमने बताया था अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। अगर हम उत्तर और दक्षिण ध्रुव को अक्षांश रेखा नहीं मानेंगे तो दो माइनस कर देंगे। अब यहां देखिएगा, ये हमारा ग्लोब है, हम ग्लोब से एक मानचित्र बना लेते हैं। मानचित्र कैसे बनाएंगे, ये मान लीजिएगा पृथ्वी है, नीचे से यहां से कट कर देते हैं, ऊपर से कट कर देंगे और बीच से कट कर देंगे, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आकृति बन जाएगी, इस प्रकार से एक मानचित्र बन जाएगा। देखिएगा, इस प्रकार से एक मानचित्र बन जाएगा, यहां बीचों बीच से एक रेखा गुजार देंगे, इसका मान है 0 डिग्री देशांतर, जो कहां से होकर गुजरती, कई सारे देशों से होकर गुजरती है। फिलहाल अभी आपको एक देश याद रखना है जिस देश का नाम है लंदन, कहां से, लंदन। ठीक है, जो अब देशांतर रेखा समझनी है हमें, अगर ये बताइए 0 है, 0 के बाद यहां 1 डिग्री होगा, यहां 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, सबसे अंतिम में जो रेखा मिलेगी वो 180 डिग्री मिलेगी। कौन सी डिग्री मिलेगी? 180 डिग्री। ये पूर्वी गोलार्ध में है, आगे वाला भाग पूरब है, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री पूर्व, 2 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व तक। वैसे पश्चिम करेंगे 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, सबसे अंतिम रेखा कौन सी मिल जाएगी? सबसे अंतिम रेखा 180। अब देखिएगा, इस 1 से लेकर 180 तक 180 रेखाएं, इस 1 से लेकर इस 180 तक 180 रेखाएं, तो 180 उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी पूर्वी गोलार्ध में, 180 रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में है, तो 180 और 180 कितना हो जाता है सर? 360 हो जाता है। और एक 0 डिग्री भी तो है, इसका मान है 0 डिग्री, लेकिन यह भी तो एक रेखा है, तो फिर इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इस प्रकार इनकी संख्या हो जाएगी 361। क्या ये सही है? तो ये सर गलत है। ये गलत इसलिए है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है, ये दो रेखाएं नहीं है, बल्कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही रेखा होती है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। जब इसको ऐसे हम गोल करेंगे तो ए वाला भाग जो है वो इस वाले भाग से आकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, संलग्न हो जाएगा। जब ये दोनों भाग आपस में आकर संलग्न हो जाएंगे तो यह दो रेखाएं ना बन के कितनी रेखा बन जाएगी? एक रेखा, और इसी को नाम दिया जाएगा 180। तो 180 डिग्री जो होती है ना, तो वो चूंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दो रेखाएं नहीं है बल्कि एक ही रेखा है, इसलिए 180 डिग्री ईस्ट को
या 180 डिग्री बेस्ट को केवल हम 180 डिग्री लिखेंगे, ना तो इसके आगे हम ईस्ट लगाएंगे और ना ही इसके आगे हम बेस्ट लगाएंगे, केवल क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, 180 डिग्री ईस्ट एवं 180 डिग्री बेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एवं 180 डिग्री बेस्ट दोनों एक ही रेखा है, दोनों एक ही रेखा है। इसलिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360 होती है। ठीक है, तो अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या, बीच का क्षेत्र, दूरी, ये तीनों ही बातें हमारी हो गई। अब बात आती है, मैंने कल बताया था अक्षांश और फिर मैंने बताया थे क्यों हम अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं। अब आती है बात देशांतर से, हम देशांतर क्यों पढ़ते हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? टाइम। जैसे आपने सुना होगा कि जो भारत का समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, तो किसी भी देश का समय लंदन के समय से आगे होगा या किसी भी देश का समय लंदन के समय से पीछे होगा, यह हमें ज्ञात करेंगे। और यह किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं? यह ज्ञात करते हैं हम किसके माध्यम से? देशांतर रेखाओं के माध्यम से इसको ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, ए विश्व का मानचित्र हमने लगाया है, विश्व का मानचित्र लगा दिया हमने यहां पर, और यहां से एक रेखा गुजार दी ए, प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। कौन सी रेखा? प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा के आगे वाला जो भाग है ये पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? तो यहां पर जो गोलार्ध है ये पूर्वी गोलार्ध है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और पीछे वाला जो है ये पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध, और पश्चिमी गोलार्ध को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पश्चिमी गोलार्ध को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। पूर्वी गोलार्ध का जो समय है वो हमेशा लंदन, ये जो रेखा है कई सारे देशों से होकर गुजरती है, लेकिन आपको याद रखना है लंदन, लंदन से ही। क्यों? क्योंकि लंदन एक ऐसा देश था जिसने सारी दुनिया पर अधिकार किया था, यहाँ के जो व्यापारी थे इसी के समय को लेकर आगे बढ़ते थे और इसी के समय से अन्य देशों की गणना भी करते थे। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो भी देश लंदन के समय से आगे हैं, यानी ऐसे देश जो लंदन से पूर्व में है, मतलब पूर्वी गोलार्ध में है, याद रखेंगे उनका समय हमेशा लंदन के समय से पीछे होगा। और ऐसे देश जो लंदन से पश्चिमी गोलार्ध में, यानी लंदन के पश्चिम में है, उनका समय हमेशा लंदन के समय से क्या होगा? उनका समय हमेशा लंदन के समय से पीछे होगा। जो देश पूर्वी गोलार्ध में है उनका समय लंदन के समय से आगे, और जो देश पश्चिमी गोलार्ध में है उनका समय लंदन के समय से पीछे होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बाबू ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सूर्योदय की घटना पूर्व से घटित होती है, पृथ्वी पर सूर्योदय की घटना पूर्व से घटित होती है, इसलिए जो देश सबसे पूर्व में होगा उसका समय सबसे आगे होगा, जो देश सबसे पश्चिम में होगा उसका समय सबसे सबसे बाद का होगा, है ना। पूरे विश्व में सबसे पूर्व में जो देश है वो जापान है, इसलिए जापान में सूर्योदय की घटना पहले घटित होगी, और जहां पर सूर्योदय की घटना पहले घटित होगी वहां पर सूर्यास्त की घटना भी पहले घटित होती है, इसलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। भारत में अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है तो, और गुजरात सबसे पश्चिम में है, तो अरुणाचल प्रदेश का समय आगे है और गुजरात का समय पीछे। मतलब कोई भी देश है अगर वो आगे है तो उसका समय आगे होना चाहिए, ठीक है, और जो भी देश है, कोई भी शहर है, अगर वो किसी देश के सापेक्ष पश्चिम में है तो उसका समय हमेशा उस देश से, उस शहर से पीछे होगा। ठीक है, कैसे होता है हम समझाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि अगर कोई भी देश पूर्वी गोलार्ध में है तो समय आगे और पश्चिमी गोलार्ध में है तो समय पीछे। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में है तो समय पीछे। अब एक दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा,
कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी देश लंदन से आगे है या लंदन से पीछे है। बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो बाबू प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी देश लंदन से आगे है या पीछे है? तो याद रखना है प्रत्येक देश की क्या होती है, प्रत्येक देश की मानक रेखा होती है। प्रत्येक देश की क्या होती है, मानक रेखा। जैसे भारत की जो मानक रेखा है, जैसे भारत की जो मानक रेखा है वो कितनी है, तो याद रखेंगे भारत की जो मानक रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत की मानक रेखा कितनी है, भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री क्या है, भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो भारत की मानक रेखा में क्या लिखा है, ई लिखा है। ई मतलब पूर्वी गोलार्ध, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और अगर भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो भारत का समय क्या होगा, लंदन के समय से आगे होगा। हम लोग जानते भी हैं कि भारत का जो समय है वो लंदन के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। कैसे वो हम बता देंगे। तो प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है, अगर किसी देश की मानक रेखा में ई लिखा है तो आप समझ जाइएगा ये लंदन से आगे है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में है, और अर्थात पूर्वी गोलार्ध में है तो इसका समय लंदन के समय से आगे होगा। और यदि किसी देश की मानक रेखा में W लिखा है यानी पश्चिम लिखा है तो समझ जाइएगा वह देश लंदन के सापेक्ष पश्चिम में है, और अगर वो लंदन के सापेक्ष पश्चिम में है तो उसका समय लंदन के समय से क्या होगा, लंदन के समय से पीछे होगा। बोलिएगा इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सर समय आगे आता है और कैसे समय पीछे आता है, ठीक है, कैसे समय आगे होगा और कैसे समय पीछे होगा। मैंने अभी तक केवल आपको इतना बात समझाई है, अभी कि अगर ये विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र में अगर हम कहें यहां से ये 0 डिग्री देशांतर है, ये लंदन से होकर गुजर रही है। मैंने कहा कि अगर कोई देश पूरब में है उसकी मानक रेखा में ई लिखा है तो इसका समय लंदन से आगे, और अगर कोई देश पश्चिम में है और इसकी मानक रेखा में W लिखा है तो इसका समय लंदन से पीछे। ये रेखा जो है ये कहां से गुजर रही है, लंदन से गुजर रही है। लंदन में एक ग्रीन बिच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए लंदन के समय को ग्रीन बिच समय कहते हैं। ग्रीन बिच से होकर गुजरती है, इसलिए लंदन का जो समय है उसे ग्रीन बिच समय भी कहते हैं। और देशांतर रेखा को हम यामोत्तर नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर, यामोत्तर कहें या देशांतर कहें की बात है। तो आपसे कह देगा प्रधान यामोत्तर रेखा किस देश से गुजरती है, लंदन। प्रधान यामोत्तर रेखा का समय कहां से लिया जाता है, लंदन से लिया जाता है। अब आइएगा समय की गणना करना मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे समय की गणना की जाती है। आप लोगों में से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहले से हमसे पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिएगा। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने आपको आज से एक या दो दिन पहले मैंने आपको पृथ्वी की गतियां समझाई थी, मंगलवार को, है ना, पृथ्वी की गतियां मैंने समझाया था आपको। मैंने बताया था पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती हैं, एक होती है घूर्णन गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे बोलते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। यहां पर समय की बात हो रही है, दिन और रात की बात हो रही है, तो बताइएगा कौन सी गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा घूर्णन करती है तो एक बार दिन होता है और एक बार रात होती है। दिन और रात कितने समय के होते हैं, 24 घंटे के होते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिएगा यहां पर ये सन है, मान लीजिएगा यहां पर ये सूर्य है, यहां पर ये सन है, और यहां पर क्या है, यहां पर मान लीजिएगा ये अर्थ है, यहां पर ये क्या है, अर्थ है। सूर्य के द्वारा प्रकाश इस वाले भाग में जा रहा है, सूर्य के द्वारा प्रकाश इस वाले पृथ्वी के इस वाले भाग में जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस वाले भाग में जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा डे, पीछे वाले भाग में क्या हो जाएगी, नाइट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, पीछे वाला भाग जब आगे आएगा तो इसमें हो जाएगा दिन, और ए वाला भाग जिसमें भी दिन है पीछे पहुंच जाएगा उसमें हो जाएगी रात, है ना। तो दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति कारण होते हैं। सपोज करिएगा जो एक कैमरा लगा है सामने, सूर्य है, मैं पृथ्वी हूं, तो सूर्य के द्वारा प्रकाश मेरे सामने पड़ रहा है, ठीक ना, मेरे फ्रंट पर पड़ रहा है, तो मेरे फ्रंट पर क्या हो गया, दिन, पीछे होगी रात। अब मैं ऐसा घूमा, अब मेरे बैक पर दिन हो गया, फ्रंट वाले भाग पर रात, फिर से मैं घूमा, यहां पर दिन हो गया और पीछे वाले भाग पर रात। तो मेरा कहने का मतलब है
कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, तो बताइएगा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक घूर्णन करती है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है तो कितना डिग्री दूरी तय करती है, तो यह दूरी तय करती है 360 डिग्री। कितनी दूरी तय करती है, तो यह दूरी तय करती है 360 डिग्री। और जब यह 360 डिग्री दूरी तय करती है, तो 360 डिग्री दूरी तय करने में एक बार दिन होता है, एक बार रात होती है। दिन और रात जो होते हैं वो 24 घंटे के होते हैं। क्या इन 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 24 गुणा 60 मिनट, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, 24 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 60 से अगर आप देखेंगे तो 360 कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार, 0 से 0, 6 से 36, 6 बार कैंसिल। और 6 से अगर देखेंगे तो ये 24 कितने बार कैंसिल हो गया, 4 बार। ये 4 क्या है, ये 4 मिनट है। ऊपर क्या बचा, एक भी नहीं बचा, यानी एक डिग्री बचा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाता है, ऊपर आ जाता है एक डिग्री और नीचे आ जाता है कितना मिनट, नीचे आ जाता है 4 मिनट। इसके दो मतलब है, इसके दो मतलब है कि पृथ्वी एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, या 4 मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूमती है। दोनों बातों को मैं लिख देता हूं, दोनों ही बातों को मैं लिख देता हूं, पृथ्वी एक डिग्री में 4 मिनट, एक डिग्री ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी एक डिग्री घूमने में, पृथ्वी एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। पहली बात तो ये हो जाती है कि पृथ्वी एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। या इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 4 मिनट में पृथ्वी, 4 मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूर्णन करती है, एक डिग्री घूर्णन करती है, 4 मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूर्णन करती है। ठीक है, 4 मिनट में, अगर पृथ्वी 4 मिनट में एक डिग्री का घूर्णन करती है, तो बताइएगा 60 मिनट में कितना घूर्णन करेगी। तो पृथ्वी 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूर्णन करेगी, तो 1 × 60/4, है ना, 4 से 1 कितनी बार कैंसिल, 15 बार। तो कितना डिग्री घूर्णन करेगी, 15 डिग्री। ठीक है, तो 60 मिनट में पृथ्वी कितना डिग्री घूर्णन करेगी, 15 डिग्री। 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 घंटे में पृथ्वी, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूर्णन करती है, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूर्णन करती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूर्णन करती है, तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आप बता देंगे कितना घूर्णन करती है, 15 डिग्री का घूर्णन करती है, 15 डिग्री, है ना। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूर्णन करती है, 15 डिग्री करती है, घूर्णन करती है कितना, 15 डिग्री। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष बोले या घूर्णन गति बोले एक ही बात है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री का चक्कर लगाती है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा। आप लोगों ने ऐसे प्रश्न किए होंगे कि एक पेन का मूल्य है 5 रुपए, आपने किए होंगे प्रश्न, एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो बताइएगा 100 पेन का मूल्य कितना है। तो आप कहेंगे सर 100 मूल्य का पेन का ज्ञात करना है, तो 100 × 5 बराबर कितना रुपए, बराबर 500 रुपए, है ना। इसी मेथड को एक एक नियम कहते हैं, इसी को लगाना है, समझिएगा। चूंकि 1 डिग्री घूर्णन करने में, 1 डिग्री घूर्णन करने में लगा समय, 1 डिग्री घूर्णन करने में लगा समय, तो 1 डिग्री घूर्णन करने में लगा समय बराबर 4 मिनट। सही कह रहे हैं ना, बताइएगा 1 डिग्री घूर्णन करने में लगा समय बराबर 4 मिनट। तो प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है, भारत देश की मानक रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो 82.5 डिग्री घूर्णन करने में लगा समय बराबर कितना, तो 82.5 × 4 मिनट, 82.5 × 4 मिनट। 82.5 को हम अच्छे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो इसी को 65/2 लिख सकते हैं, 65/2 × 4 मिनट।
और अगर आप 2 से इस 4 को काट दें तो 2 बार जाएगा, 165 में अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 330, और ये क्या है तो ये आएगा 330, 5 दूना 10, 6 दूना 12 एक 13, 2 एक 2 एक 3, ये क्या है, ये चूंकि मिनट थे तो ये भी हम मिनट। अब बताइएगा मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो कितने का भाग देंगे, अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 60 का भाग देंगे, और जब आप इसमें 60 का भाग देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 5.5 घंटे। भाई इसे हम 300 + 30 मिनट लिख सकते हैं, 300 का मतलब 5 घंटे, 30 मिनट का मतलब आधा घंटे, 5.5 घंटे। भारत की मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। किस देश की मानक रेखा, भारत। और भारत का समय लंदन के समय से क्या गया, 5.5 घंटे। आगे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भारत की मानक रेखा में क्या लिखा है, ई लिखा है। तो और हमने आपको बताया है कि जिस देश की मानक रेखा में ई लिखा होगा उस देश का समय लंदन के समय से आगे होगा, तो भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे हो गया, भारत का समय लंदन के समय से आगे हो गया कितने घंटे, 5.5 घंटे। अब क्वेश्चन सर कैसे बनते हैं, कोई भी देश होगा उस देश की मानक रेखा दी जाएगी, उस देश की जो मानक रेखा दी जाएगी आपको सिंपल सा उसमें 4 का गुणा करना है, 60 का भाग दे देना है। कोई भी देश की मानक रेखा है, कोई भी देश की एक्स मानक रेखा है, 4 का गुणा करना है, 60 का भाग दे देना है। 4 का गुणा करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, जो भी निकल कर आएगा, अगर इसमें ई लिखा है तो हम कहेंगे लंदन से समय आगे है, अगर डब्ल्यू लिखा है तो कहेंगे लंदन के समय से समय क्या है उस देश का पीछे। बोलिएगा इतनी बात आ गई समझ में। तो देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय ज्ञात करते हैं, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अगर मान लीजिएगा जैसे अभी जो समय है उस समय के अकॉर्डिंग अगर हम 4 मिनट बाद देखेंगे तो आप समझ जाइएगा पृथ्वी 1 डिग्री घूम चुकी है, कितना डिग्री घूम चुकी है, 1 घंटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अभी 12 बज रहे हैं, अभी मान लीजिएगा 12 बज रहे हैं, जब 1 बजेगा तो आप समझ लीजिएगा पृथ्वी कितना डिग्री घूम चुकी है, 15 डिग्री। 1 से 2 बजेगा, आप 12 बजे से काउंटिंग कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा 30 डिग्री घूम गई है ना। तो जब पूरा डिग्री घूम जाएगी, जब 12 से 12 पर ही आएगी पूरा दिन और रात, तो 360 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 360। अरे भैया अगर मैं कह रहा हूं 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रही है, 1 घंटे में मैंने कहा 15 डिग्री, पूरा दिन कितने घंटे का होता है, दिन और रात 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितना घूमेगी, 24 × 15, अगर 24 × 15 करते हैं तो 15 × 60 हासिल 6, 15 × 2 = 30, 30 × 6 = 36, 360 डिग्री। ये तो मैं बताना चाह रहा हूं कितने डिग्री, 360। तो जब पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाएगी तो एक बार दिन होगा और एक बार क्या होगी, रात। अब देखिएगा एग्जाम इतना तक तो मैंने पढ़ा दिया, अब एग्जामिनर ने फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा दो देशांतर रेखाओं के मध्य में, उसने पूछा दो देशांतर रेखाओं के मध्य में, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, उसने ऐसा पूछा, ठीक है। अब आप समस्या है दो देशांतर रेखाओं के मध्य, हम मान लेते हैं एक देशांतर रेखा हम मान लेते हैं 30 डिग्री है और एक देशांतर रेखा मान लेते हैं 21 डिग्री है, दो देशांतर क्रम से होने चाहिए, अगर 30 है तो 31 है ना। अब हमने जो फॉर्मूला बताया उसी को लगाइए, 30 × 4/60 कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, 30 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो यहां पर यहां का जो समय आ गया, सही कह रहे हैं ना, तो 30 से 2 बार, 2 से 2, तो 2 मिनट का समय आ गया यहां पर, यहां पर कितने, अच्छे समझिएगा 2 मिनट का। अब अगर 31 में करेंगे तो 31 × 4/60 है ना, तो ये तो विभाजित नहीं हो रहा है, 4 से अगर हम इसको काट देंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये जाएगा 15 बार, और 15 से अगर इसको काटेंगे तो 2 बार, दशमलव बचेगा, 1 बचेगा 15 से, ये विभाजित नहीं होगा, नहीं इस प्रकार से नहीं आएगा, 1 मिनट रुकिएगा, कोई दूसरा मेथड अपनाते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर है, पहले तो मैं ओरल समझा देता हूं, फिर कोई ट्रिक अपनाते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो अंतर होता है वो होता है कितने मिनट का, 4 मिनट। दो देशांतर रेखाओं के मध्य में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट। मान लीजिएगा कि यहां पर ये आपका मानचित्र लिया मैंने, मैंने कहा यहां पर एक है 4 डिग्री अक्षांश, 4 के बाद कौन सा डिग्री अक्षांश आएगा, 5 डिग्री, 5 के बाद कौन सा डिग्री अक्षांश आएगा, 6 डिग्री।
हमें यहां पर क्या ज्ञात करने, समय ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि जो भी रेखा दी जाए उसमें चार का गुणा करेंगे, हम मिनट में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं, घंटे हम बाद में बनाएंगे, है ना, उसमें भी हम मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते तो ज्यादा सही रहता। तो ये चार डिग्री है, चार में चार का गुणा करेंगे ये आ गया 16 मिनट। ऐसी पांच है तो पांच डिग्री है, इसमें चार का गुणा करेंगे, हम घंटे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत छोटी संख्या है, समस्या हो जाएगा। एक कितना मिनट आ जाएगा, एक 20 मिनट आ जाएगा, ये 16 मिनट आया, एक कितना मिनट आ गया, 20 मिनट। इसी प्रकार छह में करेंगे, छह गुणा चार मिनट करेंगे तो छह गुणा चार मिनट करेंगे कितना मिनट आ गया, 24 मिनट। अब बताइएगा 16 और 20 में कितने मिनट का अंतर, चार का, 20 और 24 में कितने का, चार का। अब मैंने जैसे 30 और 31 ली थी, वहां गड़बड़ी मैंने क्या की, समझ में आ गया, जैसे मैंने ली 30 डिग्री तो 30 में गुणा कीजिएगा सिर्फ चार का, मिनट में ही रखे रहिएगा, घंटे में कन्वर्ट मत कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 120 मिनट। कितना मिनट आ जाएगा, 120 मिनट। और एक डिग्री मैंने लिया था 31 डिग्री, 31 में अगर चार का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चार और तीन चौक 12, 124 मिनट। अब देखिएगा कितने डिग्री, कितने मिनट का अंतर है, चार मिनट का, है ना, चार मिनट का अंतर आ गया। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, वहां पर हम घंटे में कन्वर्ट 60 का भाग करेंगे तो दो घंटे आएगा, है ना, दो घंटे आएगा, और 2.2 घंटे आ जाएगा, वो 2 मिनट नहीं 2 घंटे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर, यदि कहता हूं मैं कि एक कोई व्यक्ति है वो 5-7 डिग्री देशांतर पर है, यदि वो 10 डिग्री देशांतर पर चला जाता है तो उसका समय कितने डिग्री आगे हो जाएगा। अब 7 और 10 में अंतर देखिएगा 3 डिग्री का है, 3 गुणा 4 कर दीजिएगा, कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा या कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 12 मिनट का अंतर आ जाएगा। भाई 7 और 8 के मध्य में 4 मिनट का अंतर, 8 और 9 के मध्य में 4 मिनट का अंतर, 9 और 10 के मध्य में 4 मिनट का अंतर, तो 4 4 8 4 12 12 मिनट का क्या हो जाएगा अंतर। यहां पर भी देखिएगा 4 में बज रहा है 16 मिनट और 6 में बज रहा है 24 मिनट, दोनों में कितने मिनट का अंतर, 8 मिनट का अंतर। अब भाई 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 में 4 का गुणा करेंगे तब भी 8 आ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो अगर प्रश्न ऐसा पूछे, घुमाकर भी पूछे, तब भी आप आंसर दे देंगे, दो देशांतर रेखाओं के मध्य में कितने डिग्री का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर से आप दूसरे देशांतर पर, अगर मान लीजिए मान बढ़ रहा है तो समय बढ़ेगा, अभी कहता है एक है मान लीजिएगा 30 डिग्री और कहता है एक है 28 डिग्री, तो यहां का समय पीछे होगा ना, 28 गुणा 4 करेंगे, आप कर लीजिएगा 28 गुणा 4 कितना होगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 102 मिनट, और यहां पर कितना है 120 मिनट, तो कितना मिनट समय पीछे चला गया, 100 इसमें से माइनस कर दीजिएगा आ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा समय, ठीक है। बोलिएगा बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एक गुणा सही नहीं हुआ क्या, 8 चुको 32 की 3, अच्छा ये 112 होगा, है ना, 112 होगा, 8 मिनट। चलिए बोलिएगा बात समझ में आई, तो देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय ज्ञात करते हैं और एक डिग्री देशांतर के मध्य में कितने मिनट का अंतर होता है, 5 मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है। अगर संख्या आगे बढ़ रही है तो हम कहेंगे 4 मिनट समय आगे है, संख्या में कमी आ रही है तो हम कहेंगे 4 मिनट समय पीछे है। किसी भी देश का समय ज्ञात करने के लिए जो भी मानक रेखा दी गई है उसमें 4 का गुणा करेंगे तो मिनट आ जाएंगे और 60 का भाग देंगे तो घंटे आ जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, देशांतर आपका समाप्त हो गया, अभी तक रिकॉर्डिंग क्लास दी जा रही थी क्योंकि होली की छुट्टी थी, हम लोग घर पर गए अपने, ठीक है। अब इसके बाद जो जब भी मेरी क्लास रहेगी शेड्यूल आपको प्रेषित किया जाएगा, लाइव पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है, लाइव पढ़ाएंगे। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को टारवी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं, रंगों का यह त्यौहार आपको मुबारक हो, अच्छे से इस त्यौहार को मनाइएगा, उसके बाद अच्छे से अपनी पढ़ाई पर पुनः लग जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद गौरव सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी ने बच्चों आपने बच्चों का बहुत अच्छे से मन मोह लिया, और दोस्तों मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जीएस के इस शानदार क्लास में। यहां पर हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन में विटामिन पढ़ लिया हमने, हमने प्रोटीन्स पढ़ लिया, आज हम लोग ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थों को यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। मैं कुछ अलग तरीके से या कुछ अलग आपको देने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, चूंकि आज हम लोग पढ़ेंगे वसा यानी फैट पढ़ेंगे। फैट के इस शानदार टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फैट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, किस प्रकार से चर्बी के अधिक हो जाने से या बैड फैट के अधिक हो जाने से
आजकल 8 वर्ष की उम्र से लेकर के 80 वर्ष तक के वृद्ध को हृदयघात हो रहा है या तमाम हृदय की परेशानियां हो रही हैं, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, लकवा हो रहा है, पक्षाघात हो रहा है, तमाम समस्याएं हो रही हैं। आज मैं आप सभी से वो बातें शेयर करूंगा किस प्रकार से ब्रेन हैमरेज होता है चर्बी के जमा होने से मस्तिष्क की रुधिर वाहिनियों में। तो बहुत सारा पॉइंट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों हम बात करेंगे वसा की, फैट की, फैट क्या है, तेल क्या है, ओमेगा 6 ऑयल कहाँ कहाँ होता है या ओमेगा 3 कहाँ कहाँ होता है, ये सारी बातें हम बताएंगे आप सभी को। या क्या हम खाएं कि हमारे दिल को आराम मिले, दिल मतलब सॉरी हृदय को आराम मिले ऐसा बोलेंगे, हम क्या खाएं कि हमारे हृदय में कोई भी परेशानी ना हो, निरंतर कार्य करता रहे, रुधिर वाहिनियों में कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल ना जमा हो, वो अच्छे से कार्य करता रहे। दोस्तों हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए जो टॉपिक हम लोग आज ले रहे हैं वह ऊर्जा उत्पादक पोषण है, और यह टॉपिक दोस्तों क्या है, वसा, वसा यानी कि फैट। दोस्तों आज हम यह शुरू कर रहे हैं वसा, जिसको हम फैट कहते हैं। तो वसा क्या है, फैट क्या है, हम सारी बातें आप सभी से करेंगे इस क्लास में। दोस्तों सबसे पहली बात, सबसे पहली बात देखिए कि यहां पर यह आखिर वसा बनती कैसे है, अगर हमें प्रयोगशाला के अंदर इसको बनाना पड़े तो हम कैसे इसका निर्माण कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम इसको बना पाएंगे प्रयोगशाला में। देखिए दोस्तों, तो वसा कहते नहीं है, जैसे जो वसा होती है ये जो चीज है ये बहुत परेशान करती है लोगों को, मोटापा बढ़ गया है यानी फैट बढ़ गया है, फैट लूज करना है, आज सब बताऊंगा कैसे इसको लूज करते हैं, कैसे इसको हाई करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात देखिए कि वसा बनती कैसे है, पहले हम इसका जिक्र करते हैं यहां पर। दोस्तों वसा बनती कैसे है, तो आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक को, समझा होगा दोस्तों अच्छे तरीके से। देखिए दो चीजें होती दोस्तों, एक होता है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल कैसा, ऐसा वसीय अम्ल जिसके एक सिरे पर कार्बोजिलिक समूह हो और एक सिरे पर CH3 हो, ऐसी वसा दोस्तों, ठीक है ना, यानी ऐसे वसीय अम्ल। यानी कि जो वसा होती कैसे बनती है, आप देखिए यहां पर वसीय अम्ल जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड, दोस्तों जब वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल मैंने फिर से आपसे बोला कैसा वसीय अम्ल, जिसके एक सिरे पर कार्बोजिलेट समूह हो और जिसके एक सिरे पर CH3 समूह हो, दोस्तों वैसा वसीय अम्ल। तो जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोस्तों क्या होता है, ग्लिसरॉल एक ऐसा एजेंट होता है साथियों, कहते हैं कि यह हाइड्रो दोस्तों या ट्राई हाइड्रिक समूह दोस्तों होता है, या ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल एक्चुअली में है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है दोस्तों, जिसके श्रृंखला पर दोस्तों क्या होता है, 3OH होता है, ये ध्यान देना। तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है ये दोस्तों, इसके जो इसकी श्रृंखला होती है, इसकी श्रृंखला में दोस्तों क्या होता है, 3OH की चेन होती है, और यहां देखेंगे दोस्तों यह क्या होता है, तो यह जो है इसके एक सिरे पर कार्बोजिलिक समूह होता है और एक सिरे पर CH3 होता है। जब ये दोनों मिलते हैं, जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जब दोनों मिलते हैं, तो इन दोनों के मिलने से दोस्तों क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से एस्टर बनता है। क्या बनता है साथियों, एस्टर बनता है, और इसी एस्टर को हम लिपिड कह देते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसी एस्टर को हम लिपिड कह देते हैं, या फिर इसी एस्टर को हम नाम देते हैं, क्या हम नाम देते हैं, वसा। तो इसी एस्टर को हम वसा या लिपिड नाम दे देते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जान सकते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वसा क्या है, वसा क्या है, तेल क्या है, इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या होता है, तो अगर बात करूं मैं इसकी बेसिक बात, तो कहते हैं इसको हम लोग कहेंगे तैलीय व चिकनाई वाला पोषक पदार्थ, वाला पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। दोस्तों क्या होता है ये देखिए, इसको हम कहेंगे या तैलीय व चिकनाई वाला पोषक पदार्थ होता है, या आप इसके बारे में दोस्तों कह सकते हैं, दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या होता है, तैली और चिकनाई वाले घटक पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वसा और तेल में क्या अंतर है, अगर हम इसको स्पष्ट करें, तो यहां जो अभी आपने एस्टर बनाया हुआ है ना, जो एस्टर अभी बना हुआ है,
अगर यही एस्टर साथियों, अगर यही एस्टर अगर हम देखें यहां पर कि यही एस्टर अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर जो एस्टर बना हुआ है अगर ये ठोस अवस्था में रहे तो इसे क्या बोलेंगे, और अगर द्रव अवस्था में रहे तो इसे क्या बोलेंगे। अगर ठोस अवस्था में एस्टर है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो इसको हम कहते हैं वसा, तो इसको हम फैट नाम देते हैं, और अगर द्रव अवस्था में है तो इसको हम तेल नाम देते हैं। जैसे घी, देखिए दोस्तों जो घी होता है वह हमेशा वसा का ही रूप होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह ठोस रहता है। बाकी सरसों, देखिए जो सरसों का तेल होता है वह इस तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। यही अंतर है तेल में दोस्तों और वसा में। अब देखिए हम इसको देखते हैं जो वसा होती है कहां घुलती है, यह कहां पर घुल सकती है। तो आपने पढ़ा होगा जल को हम कहते हैं सार्वत्रिक विलायक, मतलब जल एक ऐसा विलायक है जिसमें सभी पदार्थ घुल जाते हैं लगभग लगभग, तो इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक। लेकिन जो वसा होती, जब भी आप घी या तेल को पानी में डालेंगे तो घी या जो तेल होता है उस पानी की सरफेस पर, उसकी सतह पर तैरना शुरू कर देता है और चमकता है, ये आपने देखा होगा। तो हम कह सकते हैं जो वसा होती है, जो तेल होता है, ये जल में भैया घुलनशील तो नहीं है। जल क्या है, ध्रुवीय विलायक होता है। दोस्तों हम यहां पर कहेंगे कि वसा क्या होती है, वसा जल में अघुलनशील है। क्या बोलेंगे, जो वसा होती है जल में क्या होगी, अघुलनशील होगी। दोस्तों ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जल में अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। तो अगर जल में अघुलनशील है दोस्तों तो कहां घुलनशील होती है, जल के अतिरिक्त जो बचे हुए अन्य ध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे क्लोरोफार्म है, बेंजीन है, पेट्रोलियम। दोस्तों कहेंगे क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, बेंजीन, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, या देखिए इथर, इथर, या दोस्तों कहते हैं केरोसिन, केरोसिन, केरोसिन तेल होता है, एस्टिक अम्ल, केरोसिन में घुलनशील। तो इन सब में जो वसा होती है वो घुल जाती है, ठीक है, इनको हम कहते हैं ध्रुवीय विलायक। ठीक है भाई, जल भी ध्रुवीय विलायक है दोस्तों, लेकिन जो होता है वसा, सॉरी यहां रहेगा जल में, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। दोस्तों वसा क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है। तो जल भी ध्रुवीय विलायक है, और जो यहां मैं लिखा हूं ये भी सब ध्रुवीय विलायक है, लेकिन वसा आप जानते रहना कि जल में अघुलनशील होती है, लेकिन जो अन्य ध्रुवीय विलायक होते हैं वहां पर अच्छे से घुल जाती है। ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित में से वसा कहां घुलती है, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि हाँ सर ने मुझे पढ़ाया हुआ है, तो आप निसंदेह इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते, देखिए जो वसा का अन्य परिचय दोस्तों वो क्या होता है, वसा हमें रोज कितनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले भी, दैनिक आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता कितनी होती है दोस्तों, 60 ग्राम, 60 ग्राम वसा हमें पर डे चाहिए, अगर हमें अपनी सभी जैविक क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करना है तो। तो दोस्तों दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, 60 ग्राम होती है पर डे, ये हमें चाहिए। और देखिए एक पॉइंट कहते हैं कि अगर जो हमें ऊर्जा मिलती है, दैनिक ऊर्जा का, दैनिक ऊर्जा का कितना परसेंट, दैनिक ऊर्जा का 25 से 30% भाग हमें दोस्तों इसी से मिलता है। मतलब जो हमें डेली ऊर्जा मिल रही है हमारे भोजन से, उसमें से 25 से 30% जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह वसा से प्राप्त होती है, या इसके जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो प्रकार होते हैं हमें उनसे प्राप्त होती है। तो दैनिक आवश्यकता हो गई 60 ग्राम की होती है, और दैनिक ऊर्जा का 25 से 30% दोस्तों इसी से मिलता है। और रही एक बात और दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका 1 ग्राम अणु अगर वो खा लिया, तो इसके 1 ग्राम अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो वसा के 1 ग्राम मोल से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है 9.3 कैलोरी,
लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, हमें इससे तत्काल ऊर्जा नहीं मिलती है। कभी भी अगर वसा आप खाओगे, जैसे मान लो घी खा रहे हो, या दोस्तों मान लो घी के अतिरिक्त आपको मिल गया खाने के लिए, जैसे बादाम खा रहे हो या काजू खा रहे हो, अगर आप ये सोचेंगे कि इसको हम इतना खा ले कि हमको तत्काल ऊर्जा मिल जाए, तो तत्काल ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपने आपका बादाम खाने का मन किया, 200 ग्राम बादाम खरीद लिए और जेब में ठूंस लिए, और जब जेब में भर लिए तो उसी को भकोस रहे हो बार बार, जब बार बार उसी को खाओगे तो वह जो बादाम आप बार बार खा रहे हैं और एक ही बार में 10 मिनट के अंदर 200 ग्राम बादाम खा लिए, तो तत्काल तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप तुरंत हीरो नहीं बन जाएंगे, तुरंत बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ तत्काल कहीं भागना जरूर पड़ जाएगा। अब मम्मी ने घी दिया आपको कि बाबू मेरा घी खाएगा और मोटा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। बाबू आते हैं सुबह शाम दोपहर शाम चार टाइम, सुबह शाम दोपहर रात, एकदम दबा करके घी लपेट के रोटी में खा रहे हैं और खा के पैर फैला के सो रहे हैं। अब बाबू सोचेंगे कि हफ्ते भर में घी खा करके मोटे हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वसा से कभी भी तत्काल ऊर्जा नहीं मिलती दोस्तों, इससे ऊर्जा मिलने में समय लगता है, इससे ऊर्जा मिलने में समय लगता है। ध्यान देना, जब इसका जल में अपघटन होता है तब उसके बाद कहीं दोस्तों इससे हमें ऊर्जा मिल पाती है। और मैं अगर आगे बात करूं आप सभी से इसकी और क्या महत्ता है, तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी क्या महत्ता होती है। और दोस्तों इसकी क्या महत्ता होती है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, दोस्तों आइए इसकी बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं मानव शरीर, कहते हैं कि मानव शरीर में कितनी वसा होती है, तो मानव के शरीर में या मानव शरीर में 12% दोस्तों क्या होती है, यही होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका 12% दोस्तों क्या होता है, यही होता है। अब इस 12% में कहां कहां होती है जानते हैं आप सभी लोग। सबसे दोस्तों बड़ी बात जानते हो क्या है, ये हमारी बॉडी में 12% होती है। और दोस्तों हम कहेंगे इसके अतिरिक्त बॉडी के कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां पर अधिकतम दोस्तों क्या होती है, ये वसा होती है। जैसे देखिए आप लोग, जो आपका ब्रेन है दोस्तों, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन में चर्बी कितनी होती है दोस्तों, ब्रेन में जो है कहते हैं 65% केवल चर्बी होती है, 65% दोस्त क्या होती है, वो वसा होती है। सोचिए कितनी बड़ी बात दोस्त। और देखिए इसके बाद क्या होता है, स्पर्म के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्पर्म में कितना होता है, लगभग 75% क्या होता है दोस्तों, केवल और केवल क्या होती है, वसा होती, चर्बी होती है। स्पर्म में 75% दोस्तों देख रहे हैं, ब्रेन में 65% क्या होता है, केवल दोस्तों चर्बी ही होती है। और देखिए इसके अलावा दोस्तों हम कहते हैं कि जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं हमारी स्किन के अंदर दोस्तों, और कहते हैं जो हमारी बोन मैरो होती है, यहां दोस्तों क्या होता है 90% दोस्त कहेंगे, देखिए यहां पर कहेंगे एडिपोज टिश्यू जिसको हम कहते हैं वसी उतक, और कहां पर त्वचा के नीचे दोस्तों, और कहेंगे अस्थि मज्जा के अंदर, कहां बोलेंगे बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर जो ये सब भाग होते हैं ना, इन सब में बताऊं आपको कि 90% तक प्रोटीन होती है, फैट होती है दोस्तों, 90% तक वसा होती है। आप इसको सोचिए आप लोग, देखिए कितनी बड़ी बात है। जो हमारा दिमाग है ना, केवल चर्बी दोस्तों, दिमाग का जो ठोस भाग है उसमें 65% केवल चर्बी होती है, जिसको मगज कहते हो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए आगे हम कहेंगे, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो वसा होती है इसको हम कहते हैं ऊर्जा का संग्रहित रूप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं ऊर्जा का संग्रहित रूप। अगर हम इसको ऊर्जा का संग्रहित रूप कहते तो क्यों कहते हैं, देखो आप सब लोग उपवास रखते हो, फास्ट रखते हो दोस्तों, फास्ट उपवास। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज खत्म हो जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो बहुत मात्रा में उसका स्टोर नहीं होता है, होता है ग्लाइकोजन के रूप में पर बहुत मात्रा में नहीं होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर से ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, नहीं ना, ग्लूकोज की समाप्ति के बाद ग्लाइकोजन का इस्तेमाल होता है जो कि हमारे लीवर में स्टोर है, हमारा बैंक जान लीजिए वही है। और जब वो ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तब वसा का इस्तेमाल होता है। तो वसा भी एक ऊर्जा का साधन है, ऊर्जा का संग्रहित रूप जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है, जो आप लोग खा खा करके अपना पेट निकाल रहे हो, ये वही तो ऊर्जा है,
ये वसा ही तो है जो संग्रहित ऊर्जा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अपना जान लो, ये आपकी ऊर्जा है, परेशान ना हो इसके लिए। लेकिन ये ऊर्जा कभी कभी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहां पर जब कोई व्यक्ति फास्ट रखता है, उपवास रखता है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के भरोसे उपवास रखते हो ना, तो आप आधे घंटे में खाए खाए फिस हो जाओगे। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज आधे घंटे से ऊपर चल नहीं पाता है। पर याद रखना, जब उपवास रखते हो ना, तो भैया 12 दिनों तक उपवास, में कार्य कर सकता है। कौन? सोचिए, यही वसा। मतलब अगर 12 दिनों तक आप नहीं मरोगे अगर उपवास हो तब, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वसा का संग्रह है, वही आपको ऊर्जा देता रहेगा। तो बहुत अमेजिंग बातें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप लोग इत्मीनान से, धैर्य पूर्वक आराम से पढ़ेंगे। तब जल्दबाजी करेंगे दोस्तों, मजा नहीं आएगी। देखिए यहां पर मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके हम कार्य पर बात करते हैं, क्या कार्य आखिर करती है वसा हमारी बॉडी के अंदर, इसका फंक्शन क्या दोस्त। तो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर इसका कार्य देखें हम लोग, वसा के कार्य, तो सब लोग कहते हैं भाई ठंडी में दबा के खाओ खूब, और वसा का संग्रह कर लो ताकि गर्मी ना लगे, है ना, ताकि ठंडी ना लगे। क्या ऐसा सही बात है दोस्तों? देखिए, जो वसा होती है वो हमारी स्किन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज, उसमें संग्रहित रहती है, और ये एनर्जी को अंदर से बाहर आने में रोकती है, और बाहर की एनर्जी को अंदर आने से दोस्तों रोकती है। यानी हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर, उसको बैलेंस करने का कार्य करती है, उसका प्रयास करती है यही वसा। तो अगर दोस्तों हम वसा की बात करें, तो सबसे इसका पहला कार्य क्या है? सबसे दोस्तों पहला कार्य इसका क्या होता है? वह होता है ऊर्जा देना। सबसे पहला काम दोस्त क्या होता है? ऊर्जा देना। ये ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा देना, ठीक है ना, ग्लूकोज के स्थान पर, या ऊर्जा प्रदान करना ज्यादा सही रहेगा। तो इसका कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। अब ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ इसका और क्या कार्य होता है दोस्त? देखिए, और कहेंगे कोमल अंगों की सुरक्षा करना, कोमल अंगों की सुरक्षा करना। जैसे दोस्त आप देखिए, जो आपका हृदय है वहां भी बहुत सारी वसा है, वो आपके हृदय को बचाती है। श्वास नली है, यहां पर भी वसा है, इसको चोट से बचाती है। त्वचा है, यहां भी क्या है? वसा है। चाहे हृदय हो, फेफड़ा हो, गुर्दा हो, दिल हो, मस्तिष्क हो, इन हर संवेदी अंगों के पास वसा का जमाव होता है, और वसा इसकी सुरक्षा करती है। तो हम कहते हैं दोस्तों कोमल अंगों से सुरक्षा। दोस्तों और कहेंगे शरीर का तापमान नियंत्रित करना, जो हमारी बॉडी का तापमान है दोस्त, शरीर का तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रित करना। अब किस प्रकार से यह तापमान को नियंत्रित करती है, आइए हम इसको समझते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, हमारी बॉडी के तापमान को कैसे ये मेंटेन कर पाती है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी स्किन है, स्किन, इसके अंदर क्या है? वसा का जमाव है। ये वसा क्या करती है? बाहर की ऊष्मा को, अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, और जो बाहर की ऊष्मा उसको अंदर आने से रोकती है। तो ऐसे में जो हमारी बॉडी का तापमान दोस्तों होता है, वो बहुत अच्छा बैलेंस रहता है। और देखिए, कुछ लोग घी खाते हैं ना, तो घी क्यों खाते हो? ताकि स्वाद मिलता रहे दोस्तों। तेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि स्वाद मिले। अब सब्जी बना रहे हो, सब्जी बनाओगे अगर ना, घी डालोगे ना, उसका अलग टेस्ट मिलता है। सरसों का तेल अलग स्वाद मिलेगा, ठीक है ना, सोयाबीन का तेल अलग स्वाद मिलता है। तो हर एक तेल का, वसा का स्वाद अलग अलग होता है, और स्वाद इससे बढ़ जाता है भोजन का। तो हम कहते हैं इसका कार्य एक और होता है, वह क्या है? भोजन का स्वाद बढ़ाना। तो भोजन का स्वाद बढ़ाती है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप जान सकते हैं दोस्तों। आगे हम देखिए करेंगे और कहेंगे विटामिन के का संश्लेषण। विटामिन के आप जानते हैं, केमिकल नेम इसका होता है फिलोक्विनोन दोस्तों। ये ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, लेकिन उस विटामिन को इकट्ठा कौन करता है? यही विटामिन के का संश्लेषण, विटामिन के को इकट्ठा करने वाला कार्य कौन करता है दोस्तों?
यही करता है, तो यह भी आप ध्यान देना। ये सारे कार्य किसके होते हैं, वसा के होते हैं, बहुत अधिक तो नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है दोस्त। अब मैं बात करूंगा आप सभी से इसके स्रोत क्या क्या है, इसके सोर्स क्या क्या है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या खाए तो हमें दोस्तों मिल जाए। तो आइए हम बात करते हैं इसके स्रोत की, कि वसा के स्रोत क्या होते हैं, वसा के स्रोत क्या होंगे और इसके बाद स्रोत अच्छे हैं कि खराब है, हम इस पर भी बात करेंगे आप सभी को, आप सभी से दोस्तों। चलिए वसा के स्रोत, तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, इसके दो सोर्स होंगे, एक वो भी दोस्तों नहीं, इसके होते हैं दो सोर्स। अब इसके दो सोर्स कौन कौन से होते हैं, आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला जो उसका सोर्स होता है दोस्तों वह क्या होता है, वह है एनिमल फैट, यानी कि जंतु वसा। एनिमल फैट मतलब ऐसी वसा जो हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त हो दोस्तों। एक क्या देखिए, एक होती है प्लांट फैट जो हमें पौधों से प्राप्त हो, एनिमल फैट और प्लांट फैट। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो देखिए साफ साफ लिखा गया है जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा क्या है, यह है एनिमल फैट, और पेड़ पौधों से मिलने वाली दोस्तों वसा क्या होती है, यह होती है प्लांट फैट। तो यहां हम कह सकते हैं आप सभी से, जैसे इसको ध्यान से आप देखिए दोस्तों, कहेंगे दूध घी पनीर मक्खन मांस अंडा मछली, तो ये सभी क्या होता है दोस्तों, इस सभी को हम क्या बोलेंगे, ये इसका सोर्स क्या है, एनिमल दोस्त, दूध है घी है पनीर है मक्खन है मांस है अंडे है मछली है दोस्त, ये क्या होते हैं, यह जो है एनिमल फैट के सोर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर प्लांट फैट, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए दोस्तों, कहेंगे सरसों का तेल मूंगफली का तेल, मूंगफली सरसों है या मूंगफली है, सोयाबीन है सोयाबीन है, कुसुम है अलसी है अलसी है, बादाम है काजू है, अखरोट है अखरोट है, नारियल है ताड़ है ताड़ है दोस्तों, सब क्या होता है, ये सब होता है प्लांट फैट का सोर्स, जिसको दोस्तों आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। ये सब क्या होता है, ये सब होता है प्लांट फैट का सोर्स दोस्तों। यहां पर मैं भूल गया हूं, और वह क्या है, वह है सूरजमुखी, तो मैंने इसको यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए प्लांट फैट है, तो इसके दो सोर्स होते हैं। अब रही बात वसा के प्रकार कितने होते, कई बार क्वेश्चंस ये पूछा गया दोस्त। अगर मैं वसा के प्रकार की बात करूं तो यहां देखिए तीन प्रकार की वसाएं हमारे आसपास पाई जाती हैं, लगे हाथ जल्दी से हम इस पर भी बात कर ले आप सभी से। तो कहेंगे वसा के प्रकार, वसा के प्रकार, अभी आप ये मत सोचिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाएं क्या ना खाएं, अभी हम दोस्तों इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम वसा के प्रकार की बात करते हैं। तो दोस्तों वसा भी क्या होती है, तीन प्रकार की होती जो हमारे आसपास जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वसा दोस्तों क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हम किसको दोस्तों बोलेंगे, सबसे पहले जो वसा होती है वह होती है सरल वसा, सिंपल बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सरल वसा, बिल्कुल सिंपल फैट होती है, ठीक है दोस्तों। एक होती है संयुग्मित वसा, कंजुगेटेड फैट, संयुग्मित इसको बोलते हैं संयुक्त, संयुक्त वसा, संयुक्त वसा, वसा यानी कंजुगेटेड फैट दोस्तों। एक होती है व्युत्पन्न वसा, जिसको हम कहते हैं अन्य वसाओं से उत्पन्न होने वाली वसा। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, सिंपल में आएगा संतृप्त और असंतृप्त दोस्तों, इसमें आएगा फास्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड दोस्तों, ये बहुत चीजें इसमें आएंगी, लिपोप्रोटीन, तो हम इसकी बात करेंगे आगे दोस्तों। यहां देखिए आएगा, यहां आएगा टर्पिन्स और आइसोसेनाइड्स, मैं इसकी बात भी आपसे करूंगा आगे चल करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल फैट की,
दोस्तों जो सिंपल फैट होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल वसा, सरल वसा इसको बोलते हैं, तो यह देखिए कैसे बनता है। जो अभी मैंने आप सभी को दोस्तों अभी हमने क्या किया था, दोस्त अभी हमने क्या किया था, अभी हम लोगों ने इसके पहले बात करी थी वसा क्या होती, उसका दोस्तों परिचय पढ़ा था ना। तो सिंपल फैट बिल्कुल वैसे ही होती है, मतलब कैसे बनती है, वसीय अम्ल और ग्लिसराल से निर्मित। तो बस कहेंगे कैसे बनती है, इसको हम बोलेंगे कि यह बनी होती है वसीय अम्ल और ग्लिसराल से, वसीय अम्ल अम्ल व ग्लिसराल से, बस ग्लिसराल से निर्मित। इसमें यही दो चीजें होती हैं, इस बात का ध्यान देना आप लोग, इसमें विशेष और कुछ भी नहीं होता है। तो जो सिंपल फैट होती है एक ऐसी वसा है जिसमें ग्लिसराल होता है या फिर वसीय अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों रही बात इसके बारे में और कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं, दोस्तों इसमें हम बस एक बात और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बात, दोस्तों हम कहते हैं वसीय अम्ल के डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं इसमें दोस्तों, या अभी इसको हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। दोस्त देखिए अब यहां पर चलते हैं आगे, अब जो वसीय जो सिंपल फैट होती है इसको फिर से हम दो भाग में डिवाइड करके तब इसका अध्ययन करते हैं। बिल्कुल देखिए एकदम नट बोल्ट साइंस का मैं खोल दे रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि आप ये ना कहें गुरुजी आपने पढ़ाया था पर हमारा ये नहीं हो पाया, तो इसका पूरा बिल्कुल नट बोल्ट सब ढीला कर देंगे। दोस्तों यह दो प्रकार की होती, एक होती है संतृप्त, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, इसको हम कहते हैं सेचुरेटेड फैट। दोस्तों इसको हम कहते हैं असंतृप्त वसा, एक को कहते हैं असंतृप्त वसा, अर्थात इसको हम नाम देते हैं अनसेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट। तो दो प्रकार की वसा होती है, एक संतृप्त और असंतृप्त, ये सिंपल फैट जो हमने बांटा हुआ है दो भागों में। अब आखिर दोनों में डिफरेंट क्या होता है, क्यों हमने इसको अलग अलग कर दिया है दोस्त, तो इसका भी एक कारण है, इसको हमने अलग क्यों किया। देखो इसमें क्या होता है, फैटी एसिड के डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें फैटी एसिड के तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों अवेलेबल होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये पॉइंट देखिए कई बार एग्जामिनेशन में बनी हुई है दोस्तों। और जो ये होता है ना, ये ठोस रहता है भाई, ये हमेशा आपको ठोस ही मिलेगा दोस्त। कहते हैं देखिए, अब सीधे पॉइंट पर मैं आता हूं, क्योंकि देखिए टॉपिक लंबा सा है, पढ़ाना पूरा आपको है। देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जो जीएस है भैया ना, एक महासागर है, उसमें से एक बाल्टी भर हम याद कर पाते पढ़ते हैं, और उस एक बाल्टी का एक गिलास भर हमको याद रहता है, कुछ समय बाद एक कटोरी भर दिमाग में बैठता है, और एग्जाम में हम चुल्लू भर करके आते हैं और उतना भी नहीं कर पाते, बूंद भर करके नहीं आते हम लोग। तो देखो 100 लोग पढ़ते हैं, 100 में 100 का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसका सिलेक्शन जरूर हो पाता है। पढ़ाई लिखाई में पेशेंस बहुत जरूरी है। एक समय वो था पहले वाला, जब आप लोग पढ़ते थे ना, एक घंटा पढ़ते थे, दो घंटा पढ़ते थे, पढ़ाई हो गई पूरी। भैया अब इतनी बेरोजगारी है ना, पेशेंस भी चाहिए समय भी चाहिए, पूरा समय देंगे तब हो पाएगा। ये कहेंगे कि लाओ कुछ कुछ पढ़ ले तो हो जाएगा ना, नहीं, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई जल्दबाजी करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसका दोस्तों। यहां कहेंगे इस पॉइंट में हम कहेंगे वसीय अम्ल के डबल या ट्रिपल बंध नहीं होते, नहीं दोस्तों। इसमें कहेंगे यह प्रायः कैसी होती है, ठोस होती है, ठोस होती है, समझ गए दोस्तों। यहां कहेंगे हम लोग कि वसीय अम्ल के डबल हुआ ट्रिपल बंध होते हैं। और दोस्तों ये कैसी होती है, प्रायः इसे कहेंगे प्रायः तरल अवस्था में होती है। अब हम
आगे बात करते हैं इसके विषय में, इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों क्या क्या होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें, जैसे क्या होता है वनस्पति घी, अब ये कैसा होता है भैया, ये ठोस होता है। इसके बाद घी है दोस्तों, क्या है, ठोस है। मक्खन दोस्तों क्या होता है, ठोस होता है। मांस क्या दोस्तों है, ठोस है। दोस्तों अंडा क्या होता है, ठोस होता है। तो वनस्पति घी है दोस्तों, मक्खन है दोस्त, अंडा दोस्तों यहां पर होता है, ठीक है ना। नारियल है, चर्बी दोस्तों होती है, नारियल, नारियल और चर्बी। अब देखो आप लोग, ये ठोस होता है और ध्यान दे भैया, ये हानि का दोस्त क्या होता है, इसके खांच क्या होता है, बैड फैट बढ़ता है। अगर इसको हम खाएंगे तो इसके खाने से बैड फैट बढ़ेगा, जिससे हृदय रोग की प्रॉब्लम्स हो जाती है दोस्त। यहां देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो बच रहा है आपका वही अलसी का तेल दोस्तों, अलसी है, कुसुम है, कुसुम है, सोयाबीन है, सोयाबीन है, सरसों है, सरसों है दोस्तों, ईटीसी, इन सबको हम यहां पर शामिल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, इन सबको हम यहां पर शामिल करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आप सभी से, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं संयुक्त वसा, उसके विषय में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे जो हमारी सेकंड प्रकार की वसा है, जिसको दूसरी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। हाँ, और हाँ दोस्तों एक बात और आपसे, एक बात आपकी और यहां पर करूंगा, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए आप सभी लोग, जो ये वसा यहां लिखी है, लोरिक अम्ल या माइरिस्टिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, स्टियरिक अम्ल और एरेकिडिक अम्ल। लोरिक अम्ल, माइरिस्टिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, स्टियरिक अम्ल और एरेकिडिक अम्ल, ये होती है संतृप्त वसाएं। और देखिए दोस्तों, पॉमिटोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल और दोस्तों दिया हुआ है लिनोलोनिक अम्ल, लिनोलोइक अम्ल और एरेकिडोनिक अम्ल, ये होती है आपकी असंतृप्त। और ध्यान रखना एक बात और, ये क्या होती है, ये है आपके लिए लाभदायक, इससे एचडीएल बढ़ता है दोस्तों। और ये क्या होती है, ये होती है हानिकारक, क्योंकि इससे वीएलडीएल दोस्तों बढ़ता है और एलडीएल बढ़ता है, समझ गए ना। अब हम बात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम दोस्तों क्या है, संयुक्त वसा। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, कॉन्जुगेटेड फैट पर, ठीक है। अब ये कैसी वसा होती है और ये करती क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे कैसे यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्त। देखिए, ये ऐसी वसा होती है जो कहते हैं कि दोस्तों यह जो है वसीय अम्ल के साथ साथ इसमें दोस्तों ग्लिसराल भी होता है और साथ ही साथ अन्य पदार्थ भी होते हैं दोस्तों। कहेंगे देखिए, यहां पर कहेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें होगा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसराल प्लस अन्य पदार्थ, यानी प्लस इसमें अन्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। तो वसीय अम्ल तो है ही, साथ ही साथ ग्लिसरॉल भी है और अन्य पदार्थ होते हैं। अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल यहां पर देखें तो यहां दोस्तों हम कहेंगे सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल दोस्तों वह क्या है दोस्तों, वह होता है फास्फोलिपिड दोस्तों। कहां होता, देखिए ये है क्या दोस्तों, ये है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा फास्फोरस, इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें होगा फास्फोरस और इसके साथ साथ इसमें लिपिड भी होती है। और रही बात ये होता कहां दोस्तों, ये हमारे ब्रेन में दोस्त, कहां होता है, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन की माइलिन सीथ में, जो न्यूरॉन सेल होती है उसकी माइलिन सीथ के अंदर ये पाया जाता है दोस्तों। तो फास्फोलिपिड दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए, अब आगे क्या है, ग्लाइकोलिपिड दोस्तों। फास्फोलिपिड यह जो है दोस्तों, यह कहां होता है, एक्चुअली में यह जो है हमारे सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में एक्चुअली दोस्तों होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या देखिए, अब आगे है ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और ये कहां होगी देखिए, तो इसमें क्या क्या है, इसमें शामिल हो रहा है ग्लाइकोजन, इसमें है ग्लाइकोजन और साथ ही साथ इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें लिपिड मिला हुआ है, इसमें दोस्तों क्या मिला हुआ है, लिपिड। और एक्चुअली में ये हमारे ब्रेन की
माइलिन शीथ में होती है। नाम क्या दोस्तों? नाम इसका है ग्लाइकोलिपिड। दोस्तों आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, नंबर देखिए दोस्तों 3 होता है। यहां पर कहेंगे वैक्सेस। दोस्तों वैक्स का मतलब क्या होता है? मोम। दोस्तों ये जो वैक्सेस होती है कहां कहां होती है, इसको हम मोम कहते हैं। दोस्तों मोम देखिए यह होती है क्यूटिन्स में। दोस्तों कहां पर? त्वचा में। तो त्वचा की क्यूटिन्स में होती है क्यूटिन। और कहां दोस्तों? और होती है मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी का छत्ता के छत्ते में। और कहां होगी ऐसी मोम दोस्तों? और कहां होती है? कान के अंदर, जिसको हम कहते हैं ईयर वैक्स। ईयर वैक्स यहां भी ये पाई जाती है। और जिसका अंतिम भाग है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं लीपोप्रोटीन। लीपोप्रोटीन क्या होता है? देखिए इसमें लिपिड और प्रोटीन दोस्तों कहां होता है? ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है। कहां होता है? ब्लड प्लाज्मा में। और ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा को गाढ़ा करता है दोस्तों। कौन? लीपोप्रोटीन गाढ़ा करता है। बस इतना बताओ कि अगर ये ब्लड प्लाज्मा को गाढ़ा करेगा, अगर लीपोप्रोटीन बढ़ गया तो क्या होगा? अगर बढ़ गया तो प्लाज्मा बहुत गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा, तो भैया बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान देना, लीपोप्रोटीन जो होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है, ब्लड प्लाज्मा को गाढ़ा करने की दोस्तों कोशिश करता है। लेकिन जरा आइए हम बात कर लें इसके प्रकार की, कि क्या इसके कितने कितने प्रकार होते हैं लीपोप्रोटीन के, महत्वपूर्ण है ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो लीपोप्रोटीन, लीपोप्रोटीन दोस्तों यह कई प्रकार की होती है। बस मैंने क्या बोला कि ब्लड के प्लाज्मा में होती है ना, तो आइए देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले दोस्तों हम कहेंगे यहां पर देखिए, एक होती है HDL। क्या होती है? HDL दोस्तों। एक होती है LDL दोस्तों। एक क्या देखिए, एक होती है आपका VLDL। तो ध्यान से पॉइंट को देखिए आप सभी लोग दोस्तों, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन यहां से लगातार बने हुए हैं दोस्तों, हम इसी की बात करने चल रहे हैं साथियों। यहां देखिए इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लीपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लीपोप्रोटीन है ये, ठीक है, हाई डेंसिटी लीपोप्रोटीन है ये। और इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लीपोप्रोटीन, इसको हम कहते हैं वेरी वेरी लो डेंसिटी लीपोप्रोटीन। तो दोस्तों ये देखिए क्या होती है, यह कुल 3 प्रकार की होती है, HDL, LDL और VLDL। जानते हो ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा को गाढ़ा करती है, लेकिन कैसे दोस्तों? आइए हम देखते हैं कैसे ये कार्य करती है। जैसे मान लीजिए अभी ये क्या है दोस्तों, अभी हमारा लीवर देखिए है, ये हमारा लीवर है ऐसा, ये दोस्तों हमारा लीवर होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये लीवर हो गया और ये हमारी कोई रक्तवाहिनी हो गई, कोई दोस्तों हमारी ब्लड जो है, ये ऐसे ब्लड कोई बह रहा है, ब्लड वेसल कोई हो गई ऐसी, ये कोई रक्तवाहिनी हमारी हो गई है। अब देखिए कैसे ये फंक्शन करती है दोस्तों। होता ये है कि हमारे लीवर के अंदर से, हमारे यकृत से, हमारे लीवर के अंदर से जो VLDL होता है, VLDL जिसको हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे लीवर से कुछ वसीय अम्ल, क्या? कुछ फैटी एसिड। क्या? कुछ फैटी एसिड, कुछ वसीय अम्ल लेकर के कहां चलता है दोस्तों? ये आता है हमारे कहां पर? हमारे ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनी दोस्तों। ये क्या है? इसको हम कहेंगे रुधिर वाहिनी। ये क्या है? ये रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनी दोस्तों। अब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, कि जो यह VLDL होता है, यह वसी अम्ल को लेकर के आता है हमारी रुधिर वाहिनी में दोस्तों। जब जो है उस वसी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो क्या होता है, हमारी रुधिर वाहिनी के अंदर वो जो फैटी एसिड था, उस फैटी एसिड के कारण LDL बढ़ना शुरू होता है। और जब दोस्तों जब LDL बढ़ता है ना, तो LDL आकर के इसी रुधिर वाहिनी में जमता है। जब LDL रुधिर वाहिनी में जमता है, तो रक्त का प्रवाह क्या होता है, प्रभावित होता है, और ब्लड सही से प्रभावित नहीं हो पाता। और जब सही से प्रभावित नहीं, जब सही से प्रवाहित नहीं होगा ब्लड हमारा दोस्तों, तब क्या होता है, तब यहां पर कहते हैं
तब दोस्तों यहां क्या होता है, तब यहीं पर रक्त रक्त बहाव बहाव में व्यवधान होता है, और जब रक्त बहाव दोस्तों क्या होता है व्यवधान होगा, तो इस व्यवधान से दोस्तों क्या होता है हृदयाघात। क्या अधिक हुआ है दोस्तों एलडीएल, एलडीएल के अधिक होने से, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अधिक होने से हमारे ब्लड का बहाव क्या हुआ है कम हो गया है, क्योंकि यहां पर ये जमा हो जाता है हमारे रुधिर वाहिनी के अंदर। दोस्तों अब प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर देखिए अब प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, होता क्या है देखिए, अब यहां पर होता यह है कि जब यह व्यवधान उत्पन्न होता है रक्त के बहाव में, तो उससे हृदय घात होता है या बीपी आपका बढ़ जाता है। बीपी बढ़ेगा दोस्तों और क्या होता है हृदय घात की समस्या आती है, और साथ ही साथ एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो जो ये वीएलडीएल है ये वसीय अम्ल को लीवर से निकाल कर लाता है आपके रुधिर वाहिनी में, और जब दोस्तों ये वसीय अम्ल बढ़ता है तो इस वसीय अम्ल के बढ़ने से एलडीएल लेवल बढ़ता है, और जब एलडीएल लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो इसके बढ़ने से क्या होता है इसी में एलडीएल जम जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमता है दोस्तों। जब बैड कोलेस्ट्रॉल जमेगा आपके इस रुधिर वाहिनी के अंदर तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा दोस्तों, और ऐसे में क्या होगा एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, हृदय घात आएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम यहां पर शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम लोग एचडीएल अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे दोस्तों, तो ये क्या जब एचडीएल आएगा तो एचडीएल इसको छांट करके कम कर देगा, इसलिए कहते हैं कि एलडीएल आपके लिए हानिकारक है दोस्त, लेकिन जो एचडीएल होता है वह आपके लिए लाभदायक होता है दोस्तों। यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे पॉइंट्स पूछता है कि कोलेस्ट्रॉल की कुल मात्रा दोस्तों कितनी होती है, कोलेस्ट्रॉल की कुल मात्रा कितनी होती दोस्तों, यहां देखिए हम कहेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल दोस्तों कितना होगा, ये होता है लगभग 150 से लेकर के 150 mg से 190 या 180 मिलीग्राम पर 100 dl ब्लड, इतना होता है कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये 215 से ऊपर हुआ तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है दोस्तों। क्या होता है एचडीएल लेवल क्वेश्चन पूछता है, तो अगर मैं इस लेवल की बात करूं आप सभी दोस्तों कितना होता है, यह होता है 40 मिलीग्राम पर 100 dl ब्लड दोस्तों। क्या होता है यहां पर देखिए आपका एलडीएल लेवल दोस्तों कितना होता है, तो ये पॉइंट्स कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि कितना होता है दोस्तों आपका एलडीएल लेवल, तो कहते हैं कि लगभग यह होता है 150 के आसपास दोस्तों, कितना होता है 150 या दोस्तों 140 कहते हैं इसको, इतना पर 100 dl ब्लड दोस्तों, इसी के आसपास देखिए दोस्तों क्या होता है, इसी के आसपास हम कहते हैं कि आपका VLDL लेवल भी होता है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा दोस्तों आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों चलिए यहां पर VLDL जो होता है VLDL लेवल दोस्तों ये कितना होता है 40 ही होता है, 40 मिलीग्राम के आसपास दोस्तों होता है। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो यहां पर अगर आप एलडीएल अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगा बैड कोलेस्ट्रॉल जमेगा, और इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है 150 टू 180 होती है, लेकिन अगर ये मान लीजिए अगर 215 के ऊपर हो रहा है ये, तो आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाएगी, इस बात का ध्यान देना आप लोग दोस्तों। तो ये रही आपकी दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन, इसका बहुत महत्व था ये आपने समझ लिया दोस्त। अब जो प्रोटीन का आखिरी प्रकार है दोस्तों वह क्या होता है, आइए हम उस पर बात कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, सॉरी जो वसा का दोस्तों अंतिम प्रकार, इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न वसा, ये इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फैट। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या बोला है, यह एक ऐसी वसा होती है जो अन्य पदार्थों से उत्पन्न होती है दोस्त, कहते हैं कि अन्य पदार्थों से उत्पन्न होने वाली वसा। तो ऐसी वसा जो अन्य पदार्थों से उत्पन्न होती है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं,
इसमें दोस्तों पहला भाग क्या होता है, टर्पिन्स आता है। इसमें कुछ टर्पिन्स शामिल है दोस्तों, कुछ क्या होता है, कुछ इसमें आइसोसेनाइड शामिल है, आइसोसेनाइड शामिल है। अभी आप ये जो नाम दोनों देख रहे हैं, ये कहेंगे सर आखिर कौन सा नाम, ये आइसोसेनाइड क्या होता है, टर्पिन्स क्या होता है, तो आपको भले सभी ये नए लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा कि हाँ ये नए नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे टर्पिन्स के ऊपर कि टर्पिन्स आखिर होती क्या है, इनका क्या महत्व है। हमारी बॉडी में दोस्तों टर्पिन्स होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है दोस्तों। कहेंगे ये होती क्या दोस्तों, कहेंगे कि एक प्रकार के आइसोप्रीन से बना हुआ दोस्तों पदार्थ होता है, कहेंगे कि आइसोप्रीन नामक अणु से बनता है। कैसे बनता है ये आइसोप्रीन, आइसोप्रीन नामक अणु से निर्मित। कैसे बनता है ये, तो आइसोप्रीन नामक अणु से बनता है, ये बात ध्यान देना। और इसमें क्या क्या शामिल है दोस्त, इसमें क्या क्या शामिल है, तो देखिए सबसे पहले इसमें शामिल है स्टेरॉयड। आप तो ये नाम बहुत अधिक सुन चुके होंगे दोस्तों, क्या स्टेरॉयड, ये क्या होता है, ये टर्पिन्स होता है। एक्चुअली में इस स्टेरॉयड के अंदर बहुत सारे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, जैसे एंड्रोजन, जैसे प्रोस्टेरॉन दोस्तों इसी में शामिल होता है, समझ गए आप लोग। कुछ इसमें पिगमेंट भी आते हैं, आपने पढ़ा होगा पित्तरस दोस्तों इसी में शामिल है, वह पिगमेंट होता है साथियों, वह भी इसी में आता है दोस्त। तो कहेंगे स्टेरॉयड दोस्तों, कहेंगे सेकंड पॉइंट, कहेंगे वसा में घुलित विटामिन, वह भी टर्पिन्स होती है, वसा में घुलित विटामिन, विटामिन दोस्तों यह भी क्या होती है, यह भी टर्पिन्स होती है, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर कहेंगे हम लोग, यहां कहेंगे कुछ हार्मोन और जंतु वर्णक, विटामिन दोस्तों कौन सा, ए डी ई और के, जो विटामिन ए डी ई और के दोस्तों होता है, ये दोस्तों कहां होता है, यह होता है वसा में घुलनशील। कुछ होते हैं प्लांट पिगमेंट, यानी कि पादप वर्णक जो पौधों के अंदर होते हैं, प्लांट पिगमेंट पादप वर्णक, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे दोस्तों क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, इसी में हम लोग कहेंगे आगे, जैसे होता है रेटिनिन जो आंखों में होता है दोस्तों, होता है रेटिनिन, रेटिनिन ये हमारे दोस्त कहां होता है, आंख में होता है, आंख रेटिनिन दोस्तों होता है। और इसके अलावा दोस्तों हम कहते हैं फाइटॉल जो क्लोरोफिल में होता है, फाइटॉल, फाइटॉल साथियों कहां होता है, या होता है क्लोरोफिल के अंदर, फाइटॉल होता है क्लोरोफिल के अंदर दोस्तों शामिल होता है। और देखिए जो आखिर दोस्तों होगा वो हमारा क्या होता है, वह होता है कैरोटीन, नंबर सिक्स दोस्तों क्या होता है, कैरोटीन दोस्तों। यह भी क्या होता है, देखिए यह भी होता है गाजर के अंदर दोस्तों, कहेंगे ये क्या होता है, यह भी होता है टर्पिन। टर्पिन देखिए क्या क्या होंगे, स्टेरॉयड होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों होते हैं, पादप वर्णक दोस्तों इसी बोलते हैं पादप वर्णक, जैसे कि लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन है, लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन टमाटर कैसा लाल होता है, लाइकोपीन है दोस्त। जैसे कहेंगे विटामिन होता है, सब टर्पिन्स में ही शामिल होते हैं। और कहेंगे रेटिनिन जो हमारी आंखों में होता है, फाइटॉल जो क्लोरोफिल के अंदर होता है, और कैरोटीन जो गाजर के अंदर होती है दोस्तों, सब क्या होता है, सब टर्पिन्स में आते हैं। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं आप सभी से यहां पर कि जो स्टेरॉयड होता है इसमें हम किसको शामिल करते हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं आपसे। स्टेरॉयड देखो इसमें क्या होता है, स्टेरॉयड के अंदर इसमें कुछ हार्मोन शामिल है दोस्तों, क्या होते हैं कुछ हार्मोन। अब हार्मोन कौन कौन से, आपने इसको दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जैसे क्या होता है, ये होता है एस्ट्रोजन दोस्तों, क्या होता है देखिए, यह भी यह एक प्रकार का स्टेरॉयड होता है, या फिर एंड्रोजन, यह भी क्या है एक प्रकार का स्टेरॉयड होता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन, यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार का स्टेरॉयड होता है। और यहां कहेंगे देखिए हम लोग दोस्तों, यहां कहेंगे एनिमल पिगमेंट, एनिमल पिगमेंट जो जंतु के अंदर पिगमेंट होते हैं, हमारे अंदर पिगमेंट कौन कौन से होंगे आप इसको जानते होंगे भली प्रकार, जैसे क्या होता है पित्तरस दोस्तों, क्या होता है देखिए, यह भी होता है एक प्रकार का स्टेरॉयड होता है पित्तरस। और कहेंगे हम लोग दोस्तों यहां पर कोलेस्ट्रॉल, ये भी क्या होता है, यह भी एक प्रकार का स्टेरॉयड ही होता है, समझ गए ना दोस्तों, ये होते हैं स्टे
राइड्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और क्या होते हैं, ये भी फैट का ही एक रूप होते हैं, वसा का एक दोस्तों प्रकार होते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की जिसको हम कहते हैं आइसोसेनाइड। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आइसोसेनाइड जो बी वाला भाग था, आइसोसेनाइड होता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आइसोसेनाइड दोस्तों जो होता है सेनाइड्स, यह भी तीन प्रकार का होता है और कहां कहां होगा मैं इस पर आप सभी से बात करने चल रहा हूं दोस्तों। तो कहते हैं कि ये दोस्तों क्या होते हैं, एराकिडोनिक अम्ल से बने होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, एराकिडोनिक अम्ल से बने हुए लोकल हार्मोन की तरह होते हैं, बस इंपॉर्टेंट भाई जान लो ये दोस्तों। कहते हैं कि एराकिडोनिक अम्ल से निर्मित होते हैं, निर्मित लोकल हार्मोन जैसे, ठीक है, तो लोकल हार्मोन जैसे होते हैं दोस्तों, लेकिन कैसे होते हैं, लेकिन ये होते हैं एराकिडोनिक दोस्तों अम्ल से बने होते हैं। अब देखिए रही बात इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकता है दोस्तों परीक्षा में, दोस्तों कहते हैं थ्रोम्बोक्सेन, फर्स्ट दोस्तों क्या होता है इसमें, थ्रोम्बोक्सेन है ना, ये ऐसा पिगमेंट होता है दोस्तों, ये ऐसा भाग है थ्रोम्बोक्सेन दोस्तों, ऐसा भाग होता है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है दोस्तों, कहां होता है ये, हमारे ब्लड के अंदर होता है और ब्लड के अंदर रह करके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा दोस्तों। कहते हैं क्या करता है, रक्त जमाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, सेकंड कहेंगे दोस्तों क्या होता है, ल्यूकोट्रिन होता है साथियों, ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्या होता है, यह श्वास नली की सुरक्षा करता है, कौन, ल्यूकोट्रिन। और जानते हो अगर किसी व्यक्ति की श्वास नली के अंदर यह अधिक हो गया तो पूरी श्वास नली को घेर लेता है, और जब पूरी श्वास नली को घेर लेगा ना तो वहां पर सांस या वायु का आवागमन नहीं हो पाएगा दोस्तों, और जब वायु का आवागमन नहीं हो पाता है तो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर दमा हो गया है, उसका फेफड़ा सही कार्य नहीं कर रहा है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कहेंगे नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड दोस्तों ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये आपने दोस्तों कई बार पढ़ा होगा, कई बार पूछा गया परीक्षा में, ये कहां कहां होता है दोस्तों, ये होता है स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर दोस्तों, क्या होता है ये, होता है वीर्य के अंदर, सीमेन के दोस्तों अंदर होता है, और महिला के अंदर क्या होता है, महिला के अंदर जो मासिक धर्म होता है दोस्तों उस समय निकलता है, मासिक धर्म में दोस्तों बुखार जब होता है उस समय भी यह दोस्तों क्या होता है, सक्रिय हो जाता है दोस्तों, और कहेंगे यह डिफेंस का कार्य दोस्तों कर देता है, डिफेंस का भी कार्य करता है, इन सारे स्थानों से यह होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। यही पूरे वसा का भाग था जो आपने पढ़ लिया है, वसा में मेरे ख्याल से आपकी परीक्षाओं में इससे ऊपर किसी भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है ना, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया भी होंगे दोस्तों। और ध्यान रखना, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस रंग बिरंगे त्यौहार की तरह आपका भी जीवन हमेशा रंग बिरंगा रहे, आप हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।